नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस साल का जो पेपर है फाइनल एग्जाम का क्लास 10 सोशल साइंस का किस प्रकार का आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका क्या है, सामाजिक विज्ञान के लिए मैं आपको प्रादर्श प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। और दोस्तों इससे आपको क्या है, पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि जो आपका फाइनल एग्जाम का पेपर है वो किस प्रकार से आएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका जो प्रादर्श प्रश्न पत्र एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, एमपी बोर्ड ने इसमें आपको क्या है, एक आपको तरीका बताया कि किस तरीके का आपका फाइनल पेपर आएगा। यहाँ पर ये जो एमपी बोर्ड के द्वारा जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है, इसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में जारी किया गया है, ठीक है। और ये पूरा जो आपका ब्लू प्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 80 नंबर का आपका टोटल का टोटल पेपर है, जिसमें से समय आपके पास 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आपको 32 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरा जैसा कि आपका ब्लू प्रिंट है, जो आपका पैटर्न है उसी के आधार पर इस क्वेश्चन पेपर को बनाया गया है, हम बोल सकते हैं मॉडल पेपर को बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या इस मॉडल पेपर से यह अनुमान लग जाएगा कि जो आपका फाइनल पेपर है वो किस पैटर्न पर आएगा, किस तरीके के उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के जो आपके मॉडल पेपर मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप क्या सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और इन मॉडल पेपर से आप अपना पैटर्न समझ सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मुझे पता है कि आपके अभी तैयारी पूरी क्लियर नहीं हो पाई होगी, क्योंकि अभी तक आपको ये क्लियर नहीं था कि आपके स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, पेपर बोर्ड के होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अचानक सरकार ने जो एमपी बोर्ड द्वारा फैसला लिया गया, उसमें आपके क्या है डेट कर दी गई है कि आपके 17 और 18 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, और दोस्तों पेपर तो आपके हो चुके हैं पक्के कि आपके होने हैं, इसलिए जितनी भी पढ़ाई हो सके जल्दी कीजिएगा। और क्या है, आप अब आपको क्या स्मार्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर है उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है उनको सबसे पहले पढ़ना होगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी सामाजिक विज्ञान के हर चैप्टर के लगभग 20 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप सभी चैप्टर से 20-20 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों 32 में से आप लगभग 30 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन 100% तैयार आपके पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो हम कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम वो सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो किस तरीके का कोई पढ़ाई में डाउट आते हैं, तो डाउट के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउट ऐप के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, IIT जी नीट का सवाल हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो, सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटेड ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक IIT जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटेड पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आने वाला है, यहाँ पर देखिएगा पूरा हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो बिल्कुल भी आपको यही पैटर्न आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो दोस्तों ये आपको जो मॉडल पेपर जारी किया गया ये मैंने नहीं बनाया है, ये आपके एमपी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है, यानी कि जो एमपी बोर्ड के जो टीचर आपको क्या फाइनल एग्जाम बनाने वाले हैं उन्हीं टीचरों द्वारा क्या है आपका मॉडल पेपर भी तैयार किया गया है, ठीक है। तो इससे आपको पैटर्न का अनुमान अच्छी तरीके से लग जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, जो लोहे अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार बवाल क्वेश्चन दिया गया कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशु चारण, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी दोस्तों पूछे जाने हैं। इनमें से कौन रवि की फसल है हमें बताना है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक बात हो दोस्तों, अगर आप इन सभी जो मॉडल पेपर एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है इनके अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों, तो वीडियो के माध्यम से हम इनका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंटों को इन्हें सॉल्यूशन अभी तक कर लिया होगा, क्योंकि दोस्तों लगभग 1 से 2 मंथ हो चुके हैं मॉडल पेपर जारी किए हुए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने देख पता होगा कि मॉडल पेपर जारी कर दिए गए तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन जरूर कर लिया होगा, क्योंकि दोस्तों जब मॉडल पेपर जारी किए गए तब हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि मॉडल पेपर एमपी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। लेकिन क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट न्यू होंगे चैनल पर, तो आपको क्या करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती और जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं वो आप नहीं देख पाते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बार अभी देखिए, मैंने ये आपके लिए केवल इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको पैटर्न के बारे में पता चल जाए, ठीक है। सॉल्यूशन तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बोला था कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको एक क्या मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए दिया गया है। यहाँ पर पूरे 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैटर्न आपका बिल्कुल वही रहने वाला है जैसा कि आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है, तो पैटर्न की बिल्कुल भी टेंशन मत करें, पैटर्न आपका पूरा पता चल जाए किस तरीके से यहाँ पर आने वाला है। रिक्त स्थान दिए गए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का कौन सा क्षेत्र हमें बताना है। नेपोलियन बेनापोर्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ था, करोगा मरो का नारा किसने दिया था ये हमें बताना है। भारत में खालिस्तान शासन है, तो ये सभी क्वेश्चन इस तरीके के पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिए गए ये आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन जो रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने हैं, तो ये आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए, ये 7 आपसे पूछे जाएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, IMF का पूरा नाम क्या है, मार्टिन लूथर कौन था, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लेते हैं तो इस मॉडल पेपर से भी लगभग 3 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएं, तो जरूर इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें जरूर याद कीजिएगा। ये आपके 77 दिए गए हैं जो कि आपके 6 रहने वाले हैं, तो इनको भी तैयार कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चनों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर के, तो PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा। हिंदी की PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर मॉडल पेपर की डाल दी, अगर आपने डाउनलोड नहीं की तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको फ्री में इसकी PDF प्रोवाइड करा दी गई है और आपकी जो सोशल साइंस की PDF है वो भी वीडियो अपलोड होने के बाद हमारे क्या टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सही जोड़ियाँ दी गई, सही जोड़ी यहाँ पर देख सकते हैं, वे खंड आ दिया गया, एक खंड बा दिया गया, तो इन दोनों को इस तरीके से हमें मिलाना है, सभी को आपको पता होगा ही, ठीक है, तो इनको आसानी से आप मिला सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन की एक वीडियो अपलोड कर दूंगा शाम तक अगर आपके कमेंट आएंगे तो, ठीक है। इनको तरीके से देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपके संसाधन किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, प्रातः भारत में पाए जाने वाली दो मिट्टियों के नाम लिखिए, राइट एनी टू सोल्स फाउंड इन इंडिया। फिर देखिए आरक्षित वन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, इसके अथवा में दिया गया था जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपके जो पेपर ये मॉडल पेपर दिया गया इसमें से लगभग 10 से 15 अंक क्वेश्चन आपके क्या है फाइनल एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जब आपका फाइनल एग्जाम हो चेक जरूर कीजिएगा, जरूर 10 से 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, व्हाई जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं खरीफ और रबी की फसलों में अंतर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। और औद्योगिक क्रांति जॉबर कौन थे, ये सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना, ये सभी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपका मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पैटर्न क्या, इससे आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि आपका पैटर्न कैसे रहने वाला है एग्जाम का, तो इसी पैटर्न के आधार पर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतर भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद मॉडल पेपर रहने वाले हैं, ठीक है, तो इन्हें इनसे क्या है बेनिफिट जरूर लीजिएगा, इन मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से इन्हें याद कर लीजिएगा सभी विषयों के, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर क्वेश्चन बैंक का हमने सॉल्यूशन कराया था, जो MP बोर्ड के द्वारा आपके क्वेश्चन बैंक जारी की गई थी क्लास 10th की, तो हमने क्या क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था, क्योंकि पूरा पेपर आपका क्वेश्चन बैंक से आने वाला है, तो क्वेश्चन बैंक जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की मदद से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक का, प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर था, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी विद हेमंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली थी वीडियो, तो हमने ये वीडियो पूरा मॉडल पेपर आपको बता दिया समाज विज्ञान का, नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का मॉडल पेपर देख लेंगे उसमें किस प्रकार का पैटर्न होने वाला है, ठीक है। तब तक देख लीजिए आपका अपना चैनल, धन्यवाद दोस्तों।